नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। दिल्ली में काफी सियासी उथल पुथल पहले से ही चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही ये उथल पुथल और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब कांग्रेस के खेमे में ही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, विरोध भी शुरू हो गया है। ये विरोध कन्हैया कुमार को लेकर है। इसके साथ ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सिंह लवली के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता दो खेमे में बंट गए हैं। कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिए जाने का विरोध जताया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि बाहरी बनाम स्थानीय की अब लड़ाई छिड़ चुकी है। कन्हैया कुमार को बाहरी कहा जा रहा है और उनको जिस तरह से दिल्ली में टिकट दी गई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में ही विरोध अब शुरू हो गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से संवाददाता डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में ही अब लड़ाई शुरू हो गई है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में के मुख्यमंत्री जो है वो जेल में अब जा चुके हैं, दूसरी तरफ इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में आपसी लड़ाई, क्या कुछ रुख लेने वाली है इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव पहले से ही कांग्रेस का शुरू से ही जो एक रणनीति रहा है कि एक पार्टी केंद्रित परिवार केंद्रित पार्टी है, जिसमें कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सर्वोच्च स्तर पर लिए जाते हैं। दिल्ली का जहां तक सवाल है, यहां के अध्यक्ष जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अरविंदर सिंह जी ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और आपके साथ जो गठबंधन हुआ था उसमें मेल नहीं था कांग्रेस का, इसीलिए यह इस्तीफा जरूरी था कि जब कांग्रेस दिल्ली में अपना मजबूत आधार बना नहीं सकती है, गर्त की ओर जा रही है, तो उनका इस्तीफा जरूरी था। अब उनके साथ शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित सहित कई लोग आ गए हैं और सब उनसे मिले हैं, और सबका कहना है कि पार्टी को बाहर निकालने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी सुना होगा जो कन्हैया कुमार ने कहा है कि बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी से जो पूर्वी दिल्ली से है मनोज तिवारी उम्मीदवार है उनके आगे, तो मनोज तिवारी भी बिहार से है, वो अभी कहीं ना कहीं बाहरी ही है। तो कन्हैया कुमार पर आरोप लगाना कि वो बाहरी हैं, वो कहीं से सही नहीं है, और इस आधार पर जो इस्तीफा दिया गया है उसको नहीं माना जा रहा है, यह कहना है हमारे उम्मीदवार। निशा, बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी ने जिस भी उम्मीदवार को खड़ा किया, मनोज तिवारी वहां से खड़े हुए, चुनाव जीते भी, सांसद भी है और फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही लड़ाई छिड़ गई है। भले अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं इस लड़ाई को कि ये नहीं है वो है, लेकिन अंदरूनी कला तो है और इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर तो पड़ने वाला है। बिल्कुल, ये आप दिल्ली की ही बात नहीं करें, अगर बिहार की भी बात करें, ये केवल आप और कांग्रेस गठबंधन को लेके विवाद नहीं है कि आपके साथ गठबंधन हुआ है तो दिल्ली के कार्यकर्ता नाराज है कांग्रेस के। अगर बिहार की भी बात करें तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों पप्पू यादव ने जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, जिनका जनाधार है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था और वो पूर्णिया से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ज्वाइन के बाद आरजेडी ने वह सीट अपने पास ले लिया और इस तरह से कहीं ना कहीं यह देखा गया कि उनको सीट नहीं मिला। आरजेडी ने बीमा भारती को खड़ा कर दिया, उसके बाद पप्पू यादव ने विरोध करके, कांग्रेस से बगावत करके स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन भरा और दूसरे चरण में वह वोटिंग वहां का हो चुका है। तो यह कहीं ना कहीं पूरे मामले में एक तरह से कांग्रेस का जो फैसला है वह अंतर्द्वंद लिए हुए है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है एक्सेप्ट कर रहा है मनोज तिवारी को, जबकि कन्हैया कुमार का जहां तक सवाल है, पिछला आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से आते हैं, जेएनयू से उनका जनाधार रहा है और कांग्रेस में वह 2023 से ही, जुलाई 2023 में उनको शामिल किया गया था और उनको एनएसयूआई का प्रदेश प्रभारी बनाया गया था, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर प्रभारी बनाया गया था। तब से वह कांग्रेस में सक्रिय है, लगातार वह हमलावर रहते हैं विपक्षी पार्टी पर। अब उसको यह आधार बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, कहा जा रहा है निशा कि वह देश, जिस तरह से बात की जा रही है बाहरी बनाम स्थानीय की, ये जो लड़ाई देखने को मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार 2023 से आए हैं, उससे पहले
कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, वामपंथी उन्हें पार्टी में थे, यानी वाम कैंडिडेट के तौर पर वो 2019 के चुनाव में खड़े हुए थे। क्या ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें अपनी पार्टी में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस केवल कन्हैया कुमार ही अभी एक ऐसे उम्मीदवार नहीं है जिनका विरोध कांग्रेस पार्टी में किया जा रहा है। उनके साथ उदित राज का, जिन्हें नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है, उनका भी विरोध किया जा रहा है। उनको भी कहा जा रहा है यह बाहरी है। तो इस तरह से कांग्रेस में कहीं ना कहीं, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि दिल्ली में 7 में से केवल 3 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं, बाकी आपको मिली हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी विरोध है कि आपसे गठबंधन होने के चलते कांग्रेस को कम सीटें मिली हैं। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात की जाए तो कांग्रेस के जितने भी गठबंधन के दल हैं वो सीटें कांग्रेस को कम मिली हैं। लेकिन निशा, जिस तरह से विरोध आपने बताया और जिस तरह से कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और गठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गठबंधन तो पूरे देश भर में हुआ है, तो दिल्ली में जाहिर सी बात है जब आम आदमी पार्टी का शासन चल रहा है तो गठबंधन उन्हीं के साथ होगा। सीटें तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिली है, इसके तहत कांग्रेस को सीटें कम मिली है। अगर कांग्रेस को सीटें ज्यादा लेनी है तो उसके लिए गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से पंजाब में देखा गया। तो कांग्रेस यहां पर भी तो गठबंधन तोड़ के अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी, लेकिन गठबंधन पर कहीं आला कमान की जो है वो सहमति बनी और इसके तहत ही कैंडिडेट खड़े किए गए। बिल्कुल, जो दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यकर्ता और नेता हैं उनका यह मांग था कि जिस तरह से पंजाब में गठबंधन नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ काफी कुछ महत्वपूर्ण होता है, तो सभी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी करे। और इस तरह का आप पर जितने आरोप लगे हैं, जिस तरह से उसके जो पार्टी प्रमुख है जेल में है और कई मंत्री जेल में है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह मांग थी कांग्रेस नेताओं की कि आपके साथ दिल्ली में कम से कम गठबंधन न किया जाए और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए। और आज के इस्तीफे का जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह के कहा जा रहा था कि उनका बीजेपी से कांटेक्ट है और कहीं न कहीं पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा की जगह उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि बात क्लियर हो गया, उन्होंने खुद ही कर दिया कि पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ही रहेंगे। और दूसरा, इस पूरे घटनाक्रम पर जो ताजा अपडेट है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस पूरे मामले को जो सचिव महासचिव है दीपक बावरिया, कांग्रेस महासचिव प्रभारी, वो इस पूरे मामले को हैंडल करें। हालांकि आखिरी घड़ी में अब दीपक बावरिया ने साफ कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या उदित राज, किन्हीं को नहीं दिल्ली में बदला जा रहा है, भले ही अध्यक्ष बदल जाए। बिल्कुल, अगर ये आला कमान की तरफ से फैसला आ गया है, ऐलान हो गया है, तो अब क्या लगता है निशा, दिल्ली की क्या तस्वीर बदलने वाली है? जिस तरह से दावा किए जा रहे थे और जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे थे कि मनोज तिवारी के अगेंस्ट अगर कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं तो दिल्ली में एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, साथ ही बीजेपी के भी कहीं ना कहीं हाथ पैर पांव फूल रहे थे कि अब कन्हैया कुमार उनके अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार की बात की जाए तो देश भर में उनके समर्थक की संख्या भी ज्यादा है, लोग पसंद भी करते हैं, युवा नेता है, तो मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दे सकते थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खुद अपने कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर क्या आम जनता भरोसा कर पाएगी? क्या उसी अंदाज में वोट दिया जा सकेगा? बिल्कुल, इसका असर कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में पड़ने ही वाला है। आपको बता दूं, कन्हैया कुमार का एक जनाधार रहा है, वह छात्र नेता रहे हैं और उनका एक अपना जनाधार है। अगर बात करें 2019 के चुनाव में भी, तो बेगूसराय से उन्होंने भले ही वाम दल के सीट टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा वोट बैंक बनाया था। अब अगर यहाँ की बात की जाए दिल्ली की, तो इस सीट से उनको काफी कुछ नॉर्थ ईस्ट सीट से फायदा होने वाला है और वह कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। दिल्ली की जनता, जहां तक बात है नॉर्थ ईस्ट सीट पर, बिहार के बहुत सारे बहुसंख्यक वोटर्स हैं और उनका असर निर्णायक होगा। तो ये तो आखिरी घड़ी में फैसला होगा जनता का कि वो किस तरफ वोट करते हैं। अभी दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, तो काफी समय बचा हुआ है और इसमें कई तरह की घटनाक्रम हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, समय तो काफी है, लेकिन अब जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं
बीजेपी पार्टी को एक मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। इसे वो एक बार फिर से चुनावी जनसभा में भुनाने की कोशिश करेगी और एक बार फिर से जनता गुमराह भी हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है निशा कि कांग्रेस किस तरह से अपने समर्थकों को एकजुट करेगी, क्योंकि ये लड़ाई अब सड़क पर आ खड़ी हुई है। इन्हें एकजुट करना, लोकसभा चुनाव में जो विजन रहा है गठबंधन का कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लेकिन वो विजन जो है कहीं ना कहीं इस ये सिर्फ अभी कई चरण के चुनाव बाकी है और इस दरमियान इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, तो ये खुद अपने विजन से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी की जो पहली प्रतिक्रिया आई है शहजाद पूनावाला की ओर से, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। वह देश विरोधी और सेना के विरोध में बोलने वाले कन्हैया कुमार को के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से जाकर इस्तीफा दिया है, इससे कांग्रेस पार्टी को एक कहीं ना कहीं अपने आप को रिव्यू करने का मौका मिला है कि वह खुद पर एक सोचे कि क्या आगे करना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि बीजेपी अब इस मुद्दे को दिल्ली में कम से कम लोकसभा चुनावों में काफी उछालेगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर ही कलह खुलकर सामने आ गया है। निशा, जिस तरह से खबर सामने आ रही थी कि कन्हैया कुमार चुनावी प्रचार की तैयारी कर रहे हैं और आज उनका चुनाव प्रचार भी था दिल्ली में, क्या वो प्रचार हो चुका है या फिर होने वाला है? और अगर विरोध की हम बात करें तो इस विरोध के बीच क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, यह आप जो अंतरकलह की बात कर रही है वो आज का अंतरकलह नहीं है। आपको याद होगा कि 21 अप्रैल को जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इन कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर काफी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, जिसके को देखते हुए गुस्से में दीपक बावरिया जो प्रभारी है उन्होंने साफ साफ कहा था कि वह इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो यह आज का विवाद नहीं है, अब यह खुलकर सामने आ गया है। इस बीच कांग्रेस में चूंकि साफ हो चुका है कि उम्मीदवारी नहीं बदली जाएगी, यही दोनों उम्मीदवार बने रहेंगे, तो अब आगे की रणनीति तय की जा रही है। ये आज चुनाव प्रचार का दौर था कन्हैया कुमार का, इस पर क्या कुछ अपडेट है निशा? देखिए, फिलहाल कन्हैया कुमार का चुनाव प्रचार को लेके जो चल रहा था बातचीत, वह अभी फाइनल स्टेज में चल रहा है और उस पर प्रतिक्रिया आनी है। जी चलिए, बीजेपी की तरफ से सिर्फ आपने कहा कि अभी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, क्या कन्हैया कुमार की तरफ से कुछ बयान इस पर सामने आया है, क्योंकि उनका विरोध किया जा रहा है? बिल्कुल, कन्हैया कुमार ने अपने तरफ से कहा है कि वह कहीं से भी बाहरी नहीं है। अगर बीजेपी ने बाहरी कहती है या अरविंदर सिंह लवली ने बाहरी कह के उनका विरोध किया है तो यह कहीं से सही नहीं माना जा सकता। कन्हैया कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि जो उनके विपक्षी उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, वह भी बिहार से आ रहे हैं तो वह भी बाहरी हैं। दूसरी बात, दिल्ली में बिहारी बाहरी नहीं होते हैं और जितने भी लोग दिल्ली के यहाँ आए हुए हैं वह अपने आप को दिल्ली के वासिंदे मानते हैं और उन्हें बाहरी नहीं माना जा सकता है। तो कन्हैया कुमार को बाहरी कहने का जो कहा जा रहा है वह गलत है। और दूसरी बात, उन्हें देश विरोधी कहने का जो एक प्रचलन चल गया है कि कन्हैया कुमार देश विरोधी है, उनके तरफ से उनका कहना है कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना कहीं से भी देश विरोधी नहीं हो सकता है। बिल्कुल निशा, अगर कन्हैया कुमार की हम बात करें और विरोध जिस तरह से हो रहा है, अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता किसके नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, किसके नाम कन्हैया कुमार की जगह रखने की मांग कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो अपडेट आया है उसके हिसाब से दीपक बावरिया ने साफ साफ कहा है कि वह अपने उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से नहीं बदलने वाले हैं। तो जो तीन उम्मीदवार, जो तीन टिकटें कांग्रेस को मिली है दिल्ली में, उसमें नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार, नॉर्थ वेस्ट से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी प्रसाद हैं, और इन तीनों की उम्मीदवारी लगभग तय है और इनको बदला नहीं जा रहा है, इसीलिए दूसरे उम्मीदवार पर चर्चा की बात अभी नहीं चल रही है। फाइनल इसे लॉक किया गया है फिलहाल के लिए। लेकिन क्या जिस तरह से विरोध चल रहा है इसे मनाना अब आसान होगा? क्या कांग्रेस की राह आसान हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस की जो राह है वो कांटों भरी है। अभी आपने संदीप दीक्षित का भी जो हमने स्टेटमेंट सुना, जब वो अरविंदर सिंह लवली से इस्तीफे के बाद उनके घर से बाहर निकले तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद का
जो ताज है वह कांटों भरा है और इसको हर आदमी मतलब इसको सहन करना या इसको झेलना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बातें नहीं मानी जा रही हैं और पार्टी का दिल्ली में विस्तार होता नहीं दिख रहा है, पार्टी गर्त की ओर जा रही है, तो ऐसे में पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। निशा, गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का दिल्ली में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और 3 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए गए, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है जिस तरह से विरोध हो रहा है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आपसी अंतर कलह में ही जूझ रही है। आम आदमी पार्टी के आधे से अधिक नेता जेल में गए हुए हैं, वह शराब घोटाले और ईडी का जिस तरह की कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, यह पार्टी खुद ही अंतर कलह से जूझ रही है। पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वह जेल में हैं, तो यह पार्टी खुद को बचाव की मुद्रा में अभी आई हुई है। तो उस स्थिति में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को लेके, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है जबकि आम आदमी नई पार्टी है कांग्रेस के मुकाबले, तो उस पर प्रतिक्रिया देना कांग्रेस के लिए कहीं बेहतर है कि कांग्रेस क्या सोचती है। बिल्कुल, तो क्या कह सकते हैं आम आदमी पार्टी, क्या इस पर कुछ एक्शन ले सकती है या फिर जिस तरह से बवंडर दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी को भी होगा अगर ये विरोध ना रोका गया तो? बिल्कुल, राजनीति में संभावनाएं चलते रहती हैं, इसका अगर आप आम आदमी पार्टी को लगा कि नुकसान अधिक हो रहा है तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब की तरह से ही इन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार दिल्ली में भी गठबंधन से अलग होकर उम्मीदवार ला सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि आपके बड़े नेता जेल में हैं और इस तरह के डिसीजन शायद नहीं लेंगे, इसका और खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको और आपको कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकलने के लिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या अन्य नेता, अन्य पार्टियों के समर्थन की जरूरत है, तो यह थोड़ा मुश्किल है कि आप दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ जाएगी। निशा, 7 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी, जनता का मूड किस तरफ ज्यादा झुका नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली के जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों का अलग अलग कैलकुलेशन है। हर सीट जो उम्मीदवार हैं उनका, जैसे चांदनी चौक है तो इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं व्यवसायी हैं उनका दबदबा रहता है, तो उनका अलग कैलकुलेशन है। पूर्वी दिल्ली में बिहारी और ऊपर, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, यूपी और बिहार के लोगों का वर्चस्व है, इसी तरह हर एक सीट का अपना अपना कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से ही उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो अब ये जनता का मूड तय करेगी कि किसको वो जिताते हैं। जी बिल्कुल, निशा, दिल्ली की तस्वीर सामने आई है और जिस तरह से विरोध के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जो है वो बीजेपी ने उठाए हैं, बीजेपी का कहना है कि भले ही शासन आम आदमी पार्टी के हाथ में हो लेकिन दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, दिल्ली की जनता के अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और फ्री महिलाओं के लिए बस, और अभी जो उन्होंने ताजा जो ऐलान किया था कि महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर की है उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, इसको लेके उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा उछाला था कि एक बार फिर से उनकी पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनावों में जीत कर आए। और अभी तक आपने जो देखा, विधानसभा में आप भले ही सीटें अधिक बटोरने में कामयाब रही, सरकार बना चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे हैं और इसमें जो वोटिंग होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होता है, तो इसमें आपकी कोशिश थी कि वह अधिक से अधिक वोटिंग परसेंटेज अपने तरफ करके सीटें जीत सके। निशा, अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है और जेल से ही सरकार चला रहे हैं, क्या सिंपैथी वोट उनके पक्ष में जाएगा या फिर उनके काम काज को लेकर जनता एक बार जरूर सोच में पड़ेगी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, यानी वोट उन्हीं को देना चाहिए, या फिर ये सोचेगी कि शराब घोटाला का मामला जो बीजेपी उठा रही है बार बार कि भ्रष्टाचारी है जेल में है, तो ये क्या जनता के मन में एक घर करेगा? जनता आम आदमी पार्टी को वोट देने से क्या इस वजह से पीछे भी हट सकती है? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं होते हैं। दिल्ली की जनता का जहां तक सवाल है, यह जागरूक है और लोगों को पता है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के नेता को ही चुना जाना चाहिए। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, यह मुद्दा कहीं ना कहीं असर करेगा कि शराब घोटाले में
बहुत सारे काम नेता करते हैं, शराब घोटाले में उनको आरोपित किया गया है। आपको बता दूं कि आप 100 अच्छे काम कीजिए लेकिन एक बेकार काम करने से लोगों को याद रहता है। बीजेपी इस मुद्दे को बार बार उछाल रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं होगा। भले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं लेकिन शराब घोटाला से जनता में असंतोष बिल्कुल है। तो इसका असर कह सकते हैं निशा कि चुनाव में पड़ भी सकता है या नहीं भी पड़ सकता है? बिल्कुल, इसका असर लोकसभा चुनावों पर बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग खास करके झुग्गी वाले और जो निम्न तबके के लोग हैं उन्होंने कभी फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को वोट किया था, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुफ्त या सस्ती शराब के चक्कर में एक पर एक फ्री और ये सस्ती शराब के चक्कर में उन लोगों की जिंदगी प्रदेश अध्यक्ष का जो पद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद जो खाली हो गया है और जिस तरह से कांग्रेस के आला कमान कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं बदला जाएगा भले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाए, तो अब उनकी जगह कौन कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? कैंडिडेट तो वही रहेगा लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है? देखिए, दिल्ली में जहां हाल है ये फैसला कांग्रेस आला कमान ही करेंगे, भले ही नाम के लिए दो चार नाम आगे कर दिए जाए लेकिन अंतिम रूप से फैसला कांग्रेस आला कमान के नामों पर चर्चा चल रही है। निशा, इस बार कोशिश यही रहेगी कि जो भी अध्यक्ष पद अध्यक्ष बने वह कांग्रेस की के बिल्कुल साथ चले, चाहे वो उम्मीदवारी की बात हो या किसी अन्य मुद्दे पर, वह बिल्कुल कांग्रेस आलाकमान के हर मुद्दे में से हाँ में हाँ करके मिलाते चले। बिल्कुल, इस बार उम्मीदवार के चयन में यही मुख्य मुद्दा रहेगा। निशा, किनके नामों पर चर्चा चल रही है, किनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं? फिलहाल इस नाम को कांग्रेस पार्टी की ओर से ओपन नहीं किया जा रहा है किनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि पार्टी में पहले से ही अंतर्कलह चल रहा है और इसको कांग्रेस आलाकमान अब कोई और हवा नहीं देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि एक ही बार जिस भी उम्मीदवार जिसको भी अध्यक्ष पद बनाया जाए अध्यक्ष उनको सामने लाया जाए। क्या कांग्रेस जो है अरविंद सिंह लवली को मनाने की कोशिश कर सकती है? बिल्कुल, कांग्रेस के तरफ अध्यक्ष की ओर से कहा गया है, खड़गे जी की ओर से कहा गया है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाए, हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने दीपक बावरिया को इसके लिए बतौर नियुक्त भी किया है कि इस मामले को खत्म किया जाए, इस विवाद को यही समाप्त किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि दीपक बावरिया ने जिस तरह से साफ साफ कह दिया है कि अब उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे भले ही अध्यक्ष बदले जाए, तो इससे चांसेस कम लग रहे हैं कि वो अरविंदर सिंह लवली को मना पाएंगे। चलिए निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल्ली में सियासी उथल पुथल काफी तेज दिख रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली में कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है और इसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की वजह कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार बताया जा रहा है। अब इस पर कितनी सच्चाई है या नहीं है ये फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही है इससे तो यही साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ही मुख्य मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही बदल दिए जाए लेकिन कैंडिडेट वही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है कि अगर मनोज तिवारी को हराना है तो कन्हैया कुमार को वहां से चुनावी मैदान में उतारना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये कितना सफल हो पाएगा और जिस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान सभी को एकजुट कर पाते हैं, ये देखने वाला बात है। साथ ही जनता इस लड़ाई के साथ ही किसे अपना नेता चुनती है, किसे सांसद चुनती है, ये भी आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।